हेलो एंड वेलकम टू एसएल रिपोर्टर। आज के इस लेक्चर में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सिस्टम अप्रोचेस, जो कि आपका यूनिट सेकंड के अंदर आता है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इसको पहले मैं कवर कर चुका हूँ, और जो फर्स्ट यूनिट है इसके भी सभी टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे। पहले इन सभी वीडियोस को आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। मेरा नाम है विद्यासागर, आप चाहें तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसका जवाब जो है यहाँ पे दिया जाएगा, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या 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 इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो किस तरह से काम करता है, वो क्या होता है। फिर देखेंगे जो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जो सिस्टम अप्रोच अपनाई गई है वो अप्रोच किस तरह से वर्क करती है। और फिर जो डेविड ईस्टन की जो पॉपुलर इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ठीक है, जो कि उन्होंने अपनी बुक से अप्लाई किया है, वो किस प्रकार से काम करता है वो देखेंगे। फिर देखेंगे ये जो अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच जो है, इसके प्रोस क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं, और फिर हम अपने लेक्चर को सम अप करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो होता क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम कहते किसे हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इज इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल एक्टर्स एंड प्रोसेसेस विच कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट विच ईच अदर एंड एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इट। अब इसको कहने का मतलब क्या है, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो, ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हो, ठीक है, कोई एंटिटी हो, या मान लो कोई एंटिटी हो या कोई भी यूनिट हो, ठीक है। अब ये एलिमेंट, एंटिटीज या यूनिट्स जो जब एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, तो इन एलिमेंट्स जो, ये जो एलिमेंट्स जो ग्रुप बना रही है, इन एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड होता है, कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण ये एक सिस्टम जो है कन्वर्ट करती है, सिस्टम बना पाती हैं। ठीक है, ये सिस्टम अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, ठीक है, कल्चरल सिस्टम हो सकता है, अगर साइंस में जाए तो इको सिस्टम हो सकता है। तो अगर इको सिस्टम कोई अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखे तो वहाँ पर सभी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है इको सिस्टम में, ठीक है। उसी तरह से अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो क्या है, ये इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये इंटर रिलेटेड किसके बीच में है, इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल एक्टर्स एंड प्रोसेसेस विच कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट विच ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ हमेशा ही इंटरेक्ट करते रहते हैं, लगातार इंटरेक्ट करते हैं, अदर एंड एनवायरमेंट टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इट, और इसके आसपास जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए काम करते हैं। तो ये जो होता है ये पॉलिटिकल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये बाकी सिस्टम्स जो मैंने अभी बताया, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, इको सिस्टम है, ठीक है, इनसे अलग किस प्रकार से है। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टिंग फ्रॉम ऑल अदर सिस्टम बिकॉज इट कंसर्न विद अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे दो तीन वर्ड्स जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। एक तो वर्ड आ रहा है यहाँ पे अथॉरिटेटिव, अलोकेशन और वैल्यू, ठीक है। अब इनके मतलब क्या है, तो देखिए अगर वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू का मतलब है उसका मतलब है रिसोर्सेज से, ठीक है। वैल्यू का मतलब क्या, वैल्यू का मतलब है यहाँ पे रिसोर्सेज से, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, ठीक है, या जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो हमारे लिए वैल्यू से, जैसे जो मान लीजिए जॉब हो गई, ठीक है, अपॉर्चुनिटी होगी, कोई और भी वैल्यू होगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी, यानी जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो हमारे लिए यहाँ पे वैल्यू का काम करती हैं। ठीक है, एलोकेशन का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे अथॉरिटेटिव का मतलब आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। अथॉरिटेटिव का मतलब है डिसीजन बैक्ड बाय अथॉरिटी एंड फोर्स, ठीक है, यानी कि ऐसा डिसीजन जो कि अगर आप उस डिसीजन को ना माने तो आपसे वो जानबूझकर या आपके ऊपर फोर्सफुली उस डिसीजन को आपसे मनवाया जा सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अथॉरिटेटिव, जिस डिसीजन को आपको मानना ही होगा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम बाकी सिस्टम से अलग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन जो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो क्या फोर्सफुली आपके ऊपर करवाया
जाता है, ठीक है, क्योंकि यह समाज के मूल आधिकारिक आवंटन से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है वो बाकी सिस्टम से डिफरेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम अप्रोच की। जो सिस्टम अप्रोच है ये क्या चीज़ है, तो सिस्टम अप्रोच और पॉलिटिकल सिस्टम में थोड़ी सिमिलरिटीज है, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं, आपको आगे सिस्टम अप्रोच डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो आप देख लीजिए। जैसे इसका फर्स्ट फीचर के ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजी एंड जनरल सिस्टम थ्योरी, यानी कि जो जनरल सिस्टम थ्योरी थी जो बायोलॉजी से आई गई है, जैसे इको सिस्टम से जो आई है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जो जीव होते हैं, ठीक है, उससे ये जो सिस्टम अप्रोच है वो लिया गया है। और ये सिस्टम अप्रोच कैसा है, डायनेमिक है और सेल्फ रेगुलेटिंग है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब कि अपने आप को ये ठीक करता रहता है, अपने आप में ये चेंजेस जो है, इम्प्रूवमेंट जो है करता रहता है। इसके अलावा क्या, होल कंसिस्टिंग ऑफ इंटरेस्टिंग पार्ट्स, ये जो सारा बना हुआ है ये जो सिस्टम अप्रोच, ये क्या है, इंटरेस्टिंग पार्ट इसके अंदर है, जिसके अंदर इनपुट के लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आउटपुट है, इसमें एनवायरनमेंट है और फीडबैक है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखिए ये जो है आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये किस तरह से काम करता है। तो ये इनपुट आउटपुट सिस्टम जो दिया हुआ, वो दिया हुआ डेविड ईस्टन के द्वारा, ठीक है। और ये इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, ये मेथड जो है, ये इन्होंने बताया था, इनकी एक बुक है जिसका नाम है सिस्टमैटिक मैटिक एनालिसिस एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। ये इनकी बुक है, इस बुक के अंदर इन्होंने इस सिस्टम को डिस्क्राइब किया हुआ या इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब इस सिस्टम में देखिए किस तरह से काम होता है। देखिए ये सिस्टम बनाया गया है एक बॉक्स के रूप में, यहाँ पे दिखाया गया है ये सिस्टम आपको, ठीक है। ये बॉक्स आप समझ पा रहे होंगे, ये बॉक्स दिया हुआ है और इसके अंदर चारों तरफ लिखा हुआ है एनवायरनमेंट। कहने का मतलब क्या है, इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें वो सारी क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम आपके वो बनाया हुआ है, और इधर से ये दिया हुआ है, ये इनपुट है और यहाँ से ये जो निकल रहा है, ठीक है, ये कह सकते हैं ऐसे जो निकल रहा है इस तरफ, वो आउटपुट है, ठीक है। अब इनपुट में क्या क्या यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। इनपुट में बहुत सारी चीज़ें दी गई, जैसे फर्स्ट यहाँ पे देखा है कि डिमांड्स दी गई हैं और सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। और आउटपुट पर निकल रहा है यहाँ पर डिसीजन और एक्शन। तो यहाँ पर ये चल क्या रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, डिमांड्स, ठीक है, सपोर्ट, डिसीजन, एक्शन, ये हो क्या रहा है। तो देखो, अगर देखो जैसे यहाँ पे ये डिमांड्स लिखा हो, तो डिमांड्स का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो डिमांड करने वाले, यानी कि जो क्लेम्स फॉर एक्शन दैट पीपल मेक टू सेटिस्फाई देयर इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी जो कुछ डिमांड्स होती हैं लोगों की, जो वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम से करते हैं या जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट होती है उससे करते हैं, ताकि जो उनके इंटरेस्ट और जो वैल्यूज़ हैं वो पूरी हो सकें, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पे इनपुट के रूप में देते हैं उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लोग, ठीक है। इसके अलावा क्या, सपोर्ट भी देते हैं। सपोर्ट कैसे देते हैं, कोई मान लो उनकी जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब जो उनके पास कंसेंट है, जो लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, या जो टैक्सेस हैं वो उनको ठीक से पे कर रहे हैं, जो लॉज बनाए गए हैं उसको ठीक से ओबे कर रहे हैं, तो वो सभी क्या है, वो सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, ठीक है। अब इस डिमांड्स और सपोर्ट के जो इनपुट मिला, उसके बिहाफ पे जो आउटपुट निकलेगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा या पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो आउटपुट निकलेगा वो क्या क्या होगा, वो कुछ डिसीजंस बनाएंगे, ठीक है, कुछ एक्शंस लेंगे। डिसीजन का मतलब क्या है, कुछ लॉज बनाएंगे वो, ठीक है, कुछ रेगुलेशंस बनाएंगे, कुछ जुडिशियल डिसीजन लेंगे, या कुछ अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज करेंगे, यानी कुछ ऐसे डिसीजन या एक्शन या लॉज बनाएंगे जो कि इनके डिमांड्स या सपोर्ट्स को पूरा कर सके, ठीक है। अब ये जो इन्होंने डिसीजन या एक्शंस लिए हैं, इसमें से है, इसमें जो फीडबैक है, यानी कि इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स करनी होंगी, वो फीडबैक जाएगा सपोर्ट्स के रूप में वापस पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो डिसीजन और एक्शंस जो लिए गए हैं, ये जो जनता है इसको पसंद आ रहा है, तो ये क्या है, इसको फीडबैक देगी सपोर्ट के रूप में। अगर मान लीजिए इसको ये डिसीजन जो है पसंद नहीं आए, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं या करना चाहते हैं, जो पॉलिसीज हैं इनको पसंद नहीं आई, तो ये क्या करेंगे, ये डिमांड करेंगे इसको चेंज करने के लिए, यानी कि जो इनपुट है, ये जो फीडबैक है, वापस क्या है, इनपुट के रूप में पॉलिटिकल सिस्टम में ही चला जाएगा, ठीक है। अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो
चीजें हैं, अगर ये फीडबैक सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, ये जो इनपुट या आउटपुट मेथड है या जो एक्शन या डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्या कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इसलिए जो फीडबैक सिस्टम है वो क्या बेहद ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इनपुट आउटपुट सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना कि इनपुट आउटपुट मेथड जो है इसको ठीक से काम करने के लिए ये चीज़ें जो है ठीक से काम करना ज़रूरी है। अब इस ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको सर्वाइव करने के लिए क्या दो चीज़ें हमेशा ही परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, इसको जो एलोकेशन कर रहा है ये जो वैल्यूज़ को, ठीक है, ये जो एलोकेशन कर रहा है वैल्यूज़ को सोसाइटी के अंदर, ये मस्ट भी क्या है, ये हमेशा ही क्या है इक्वल होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो डिसीजन ये ले रहा है, ये जो कमांड ये इशू कर रहा है, वो इस तरह के होने चाहिए जो ये सपोर्ट के रूप में पॉलिटिकल सिस्टम में आए, ऐसा ना हो कि वो ज़्यादातर डिमांड ही करते रहे, ये इनके जो डिसीजन है उनसे वो नाखुश ही रहें। ठीक है, और इसके अलावा इट मस्ट बी एबल टू गेट ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट दोस रूल्स। कहने का मतलब क्या है, जो भी इन्होंने रूल्स बनाए हैं ऐसा होना चाहिए कि जो भी सारे लोग हैं सोसाइटी के वो इसको एक्सेप्ट करें। अगर मान लीजिए कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको तो आप फोर्सफुली एक्सेप्ट करवा सकते हो, लेकिन अगर बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ा पार्टी इनमें से एक्सेप्ट ना करे तो उसको आप एक्सेप्ट फोर्सफुली नहीं कर पाएंगे, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं, दो चीज़ें मेनली कि जो एलोकेशन ऑफ वैल्यूज है सोसाइटी में वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और जो मेंबर्स है सोसाइटी के उन वो जो है उन सोसाइटी के मेंबर्स जो है वो सारे जो रूल्स हैं जो डिसीजंस हैं उसको वो एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होगी किसी भी इनपुट आउटपुट सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इसको देख लिए डेविड स्टर्न ने बनाया पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्या कहता है कि दोस इंटरेक्शंस अमंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम थ्रू विच वैल्यूज आर अथॉरिटेटिव अलोकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ सोसाइटी, यानी कि जो वैल्यूज हैं जो भी वहाँ पे रूल्स वगैरह बन रहे हैं वो क्या है अथॉरिटेटिवली अलोकेट किए जाएंगे और इम्प्लीमेंट किए जाएंगे किसी भी सोसाइटी के अंदर, और रेगुलराइज परसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड इंस्टीट्यूशन विद इन इट। कहने का मतलब क्या है, ये अपने आप इसको रेगुलराइज करेंगे इसको फीडबैक के द्वारा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम कराता है ये सिस्टम कराता है आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब इसके प्रोस देख लीजिए, इसके कुछ कॉन्स भी हैं कुछ प्रोस भी हैं, तो प्रोस देख लीजिए। प्रोस तो सबसे पहला ये प्रोस है कि ईजी टू अंडरस्टैंड है कि जो भी पब्लिक है वो अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी तो उस गवर्नमेंट क्या उसके हिसाब से रूल बनाएगी, और रूल में कुछ भी चेंजेस करने होंगे या तो पब्लिक क्या उसके लिए डिमांड करेगी, तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड कह सकते हो एक तरह से सिस्टम है। और ये क्या माइक्रो पिक्चर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को दर्शाता है या पॉलिटिकल सिस्टम में दर्शाता है, यानी कि जो बड़ा देश है या जो बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको हम देख सकते हैं कि जो बड़े गवर्नमेंट के रूप में यानी जो बड़े सिस्टम्स हैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए किसी कोई छोटी इंस्टीट्यूशन है या कोई वोटिंग पैटर्न समझना है या किसी एक छोटे रूल को समझना है तो उसके उस बिहेवियर को समझने के लिए उस छोटे बिहेवियर को समझने के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो माइक्रो पिक्चर है जो बड़ी पिक्चर है उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है, इसके अलावा कैन बी अप्लाई टू डिफरेंट कंट्रीज सोसाइटीज एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये इतना ब्रॉडली है कि इसको क्या दूसरी कंट्रीज में या मल्टीपल कंट्रीज में बड़े बड़े रीजन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूरोप की कंट्रीज को हम कंपेयर कर सकते हैं एशिया की कंट्री से या अमेरिका की कंट्री से नॉर्थ अमेरिका की कंट्री से। ठीक है, यानी कि इसका जो एप्लीकेशन है ठीक है वो क्या बड़े स्टेज पर या बड़े कॉन्टेक्स्ट में इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइडेड अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज विच हैव मेड कंपैरेटिव एनालिसिस मोर इंटरेस्टिंग एंड इंट्रक्टिव। ठीक है, इंस्ट्रक्टिव, इसका मतलब क्या है कि जो इसमें कॉन्सेप्ट्स और जो कैटेगरीज बनाई गई हैं कि किस तरह से वहाँ पे अप्रोच जो है, जैसे यहाँ पे देखें कि किस तरह से यहाँ पे जो इनपुट्स और डिमांड्स है वो किस तरह से पब्लिक के द्वारा आती है, जो डिसीजन और एक्शन किस तरह से लिया जाते हैं, फीडबैक उसमें किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये इन सभी के कारण क्या ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे ये बन गया, और ये जो है सिस्टम जो है इसने एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बना दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ कॉन्स की बात करें तो पहला कॉन्स तो ये कि हाईली जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि एक ब्लैक बॉक्स जैसा बना दिया कि ब्लैक बॉक्स में एक कुछ चीज़ हम डाल रहे हैं तो वहाँ से कुछ एक सर्टन चीज़ निकल रही है। ठीक है, इसमें कोई
ऐसा नहीं एकदम फिक्स कर दिया गया इस सिस्टम को, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट बना दिया गया इस सिस्टम को, ठीक है। तो पहले कौन तो इसका यही है, ठीक है। दूसरा कौन, ये डज नॉट रिवील पॉलिसी और प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें ये रिवील नहीं किया गया, जो ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ये इसमें पॉलिसी जो है उसमें पॉलिसीज में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, बस इसमें जो सिस्टम है उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो इसमें जो पॉलिसी प्रोसेसेस जो हैं उसको यहाँ पर रिवील नहीं किया जाता। दूसरा, ये फोकस ऑन मेंटेनेंस और स्टेटस, कहने का मतलब है इसका मेन फोकस ये है कि जो सिस्टम है किसी ना किसी तरह से बिगड़ ना जाए, बस मेन फोकस ये है कि जो पब्लिक जो डिमांड कर रही है उसको किसी तरह से पूरा करते जाए, ऐसा ना हो कि फोकस जो यहाँ पे जो मेंटेनेंस जो है उस पावर का, वो जो साइकिल चल रही है वो साइकिल क्या उसमें वो साइकिल टूट ना जाए और जो सिस्टम है कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। इसका सारा फोकस इसी के ऊपर है, कहने का मतलब जो डिक्लाइन है सिस्टम का और जो डिस्ट्रक्शन है, जो चेंज है, उसको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, यानी सिस्टम में कोई चेंज आ रहा है, कोई डिस्ट्रप्शन आ रहा है, तो उसको ये समझ नहीं पाएगा या उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो क्या है अपना जो सिस्टम है उसको बनाने के लिए काम करेगा। दूसरा है कन्फाइंड टू नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि जो पूरी स्टडी है कहाँ पर की गई है, नॉर्थ अमेरिका, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोपियन वर्ल्ड है, ठीक है, वहाँ पर ये सारी स्टडी जो है की गई है। तो हालांकि और भी देशों के साथ इसको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जो मेन कॉन्सेप्ट बनाया गया है नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से किया गया है, ठीक है। इसके अलावा डील्स ओनली विद द प्रेजेंट एंड हैज देयर फॉर नो परस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर एंड हैज लेस स्टडी ऑफ द पास्ट, कहने का मतलब ये जो पूरा जो मॉडल है, ठीक है, सिस्टम अप्रोच का, वो क्या है सिर्फ प्रेजेंट को लेकर ध्यान में रख के बनाया हुआ है कि प्रेजेंट की जो नीड्स है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए और ये जो चक्र है, जो सर्कल है, वो किस तरह से सिस्टम अप्रोच का चलता रहा और डिमांड और सप्लाई का, ठीक है, यानी इनपुट आउटपुट का जो सर्कल है वो पूरा कंप्लीटली चलता रहा, सिर्फ सारा का सारा फोकस इस पे है, ठीक है। फ्यूचर में क्या चेंजेस करने, किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, ठीक है, और पास्ट से क्या, पास्ट के अलावा पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उससे लेकर भी इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं की गई। तो ये भी क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है, इसका एक कॉन है। इसके अलावा नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम द ब्लैक बॉक्स, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, करप्शन कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई यहाँ पे डिस्कशन जो है नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये जो मेन चीज़ें थी आपको, जो अब सिस्टम अप्रोच था डब्ल्यू ईस्टर्न का, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी देने की यहाँ पे कोशिश की, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज हो, कुछ आपको समझना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, हमारे इंस्टाग्राम आईडी, उनकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।